सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम न करने से हार्मोन का स्राव प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि थायराइड ग्रंथि का कम या ज़्यादा काम करना भी परेशानी का कारण बनता है। जीवन शैली और खान पान में आने वाली अनियमितता ही थायराइड की समस्या उत्पन्न करती है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने जीवन शैली और खान पान को लेकर सजग हो जाएं तो इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के लिए क्या डाइट प्लान, यानी कि बेहतरीन डाइट प्लान क्या हो सकता है, यानी कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो थायराइड से पीड़ित जो भी पेशेंट है या फिर जो उसकी समस्या से गुजर रहे हैं, उसके लिए अगर डाइट प्लान की अगर बात करें यानी कि क्या खाना चाहिए, तो दोस्तों उसको सबसे पहले आयोडीन युक्त खाना चाहिए। तो थायराइड पीड़ितों को खाने पीने में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। इसका कारण है ये कि आयोडीन की मात्रा ही थायराइड की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। अब दोस्तों बात करते हैं आयोडीन का स्रोत बेहतरीन क्या हो सकता है। तो आयोडीन के लिए हम समुद्री जीवों या समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मछलियाँ, समुद्री शैवाल और समुद्री सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कॉपर और आयरन की बात करें, तो इसमें कॉपर और आयरन से युक्त आहार लेना भी थायराइड में काफ़ी लाभदायक होता है। इनसे थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसके स्रोत की बात करें तो कॉपर के लिए आप काजू बादाम और सूरजमुखी का बीज लेना चाहिए, इसमें कॉपर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और आयरन की अगर बात करें तो दोस्तों आयरन के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियों से बेहतरीन विकल्प तो हो ही नहीं सकता। विशेष रूप से पालक में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों पनीर और हरी मिर्च की अगर बात करें तो थायराइड के मरीजों को पनीर और हरी मिर्च के साथ साथ टमाटर का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भी थायराइड ग्रंथि के लिए बेहतर फायदेमंद होता है। विटामिन और मिनरल की दोस्तों बात करें तो आपको अपने डाइट चार्ट में विटामिन और मिनरल युक्त आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इनसे थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में इजाफा होता है। आइसक्रीम और दही की अगर बात करें तो दोस्तों थायराइड में कम वसा युक्त आइसक्रीम और दही का भी सेवन थायराइड में के मरीजों के लिए भी लाभदायक होता है। उसके बाद में दोस्तों गाय का दूध बात करें तो इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी अत्यंत लाभदायक होते हैं, जैसे गाय का दूध भी के मरीजों को पिलाना चाहिए। तेल की बात करें तो नारियल तेल से भी आप थायराइड ग्रंथि की सक्रियता बढ़ा सकते हैं। इसे उपयोग से आसान बात यह है कि इसका प्रयोग आप खाना बनाने के दौरान भी कर सकते हैं, यानी कि आप सब्जियों जो बनाते हैं उसके अंदर ये नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यानी कि कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल न करना चाहिए। तो थायराइड के मरीजों को डाइट चार्ट में सोया और उनसे बने खाद्य पदार्थों का कोई स्थान नहीं रखना चाहिए। थायराइड के मरीजों को जंक और फास्ट फूड से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। यदि परहेज करने वाली सब्जियों की बात करें तो दोस्तों ब्रोकोली, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों अन्य उपाय की अगर बात करें तो थायराइड के मरीजों को इस डाइट चार्ट का पालन करने के साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डाल देनी चाहिए। इसके साथ ही किसी योग प्रशिक्षक की सलाह योग भी करना चाहिए, क्योंकि इनसे थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ती है। हालांकि इन सब समय बावजूद किसी चिकित्सक की सलाह भी अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से हम पूरे डाइट प्लान को फॉलो करते हैं थायराइड की समस्या में, तो काफ़ी हद तक हमें आराम मिल सकता है और इनसे बच भी सकते हैं, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है या फिर बढ़ता है या फिर कम होता है, इनसे भी बच सकते हैं। उसका जो स्रोत होता है थायराइड ग्रंथि में से, जो थायराइड का जो मैंने बताया उस प्रकार से तीन जो सेक्रेशन होता है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं और थायराइड की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ कॉमेंट हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।